नाज़रीन ये देखें, ये वो कैंप हैं जिसमें 40 से 50 लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं और रात जब अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर आके अपना सर ढांपते हैं। इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं, इसमें जो कच्चा यहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई है नीचे, और यहाँ पर कीड़े मकोड़े और 100 किस्म की चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। नाज़रीन, पूरी बस्ती का विजिट करने के बाद हमें आखिरकार एक रिलीफ कैंप मिल ही गया। उस रिलीफ कैंप की क्या सूरत हाल थी, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, एक रिलीफ कैंप भी लगाया गया यहाँ पर, और यहाँ पर अब जो लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर मुकीम थे, उन्हें निकालने की भी बातें की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन इनके पास ना घर है, ना रहने के लिए कोई मकान है, ना कोई टेंट है, ना कुछ है, ये कहाँ जाएं। आखिर उनकी ही बात सुनते हैं, इनके ये क्या कहते हैं इस हवाले से। एक खातून हमारे साथ हैं यहाँ पर, कितने दिन हो? अच्छा, 7 झुके था वस्ते पे। कितने दिन थी सब? कोई महीना थी गए। अच्छा, क्या इतना मसले मसाइल हैं? कोई राशन वगैरह मिल दे, कोई खाना नहीं मिलता पिया, कशिया का नहीं मिलती पिया, राशन का नहीं मिलता पिया। बीच चार पांच बार आए बात थोड़ बंद थी, ना टेंट मिलते पान, गोडे गोडे जरा चेल चेल जरा था पानी खड़े थिया, दाने निकले हैं, कोई दवाई दवाई दे गए, कई दूसरे दवाएं दे गए, दूसरे शीशा होने का नहीं वाला, ना दवाएं नहीं देते, ना कूड़े झट्टू पानी देते, कई शायद का नहीं मिलती पाई। असा इतना बच्चे गुजरे दे पान, सारे हालात ए पानी है, बंदे बंदे जरा असा जब हवेलियां दे साको दिन तो उठी वनो, असा किनते वनो सारी किना कुछ जा ना दे, क्यों आ दिन उठी वनो, क्या स्कूल चौठी वनो, असा ना उठ दे, असा बैठे थे बस, जे तड़ी साको टेंट मिले वैसे नहीं कुरा तीसी सजा जाई मकान सेट थी सन पीछे असा उठसू या किनते वनो सारा के जा रहा लाते थे, असा के उठी वनो किथा वनो, बच्चे बीमार हैं किथा वेंदे माल जड़ा आंदे रिलीफ कैंप दी माल, पता का नहीं, वैसे पतियाल ते चलता पए, रेतड़े चलता पए, तौसे चलता पए, टिबी चलता पए, इत्ता सारे मको इलाके का कहानियां दा पिया, असा को कई शय खुदा दी कहानी मिलदी पई, साकू मिल पसी तो सब मौजूदी से दास देसु साकू ना बेईमानगी करन ता दा आंदी, साकू कई शय का नहीं मिलदी पई, असा बैठे हैं ता अपने दाने घर दे लोड है, घर वाले तोड़ गीता सारे घर वाले फिरो के को पतियाल ते सेच दे चाह दे कतरी पी के गन अट्टा के मिलदा पे सारे, और को बैठन ते का नहीं मिलदा पे सारे वाला पीछे ते हट, सवेर दे गन होन तक शाम थी गई है, होन तक अट्टा नहीं मिला, अजा कानी में अट्टा मिलो बैठन ते बंद है, अजा उठाई बैठन ते जफा कटे दे, होने रे के सारे छुवारा इने के कशे कान मिली, अजा बैठन थे असा बैठे जफा कटे दे, हजूर मेहरबानी थे इने सई स्कूल चुनाई उड़ दे साकू नाल इमदाद थई बने, साकू राशन मिल जा वने, निके निके बच्चे दे तन दे कपड़े लोड़ है, ना दवाई मिलदी पिए, बच्चे बीमार हैं, जलील से सारे बड़े बीमार से सारे बच्चे बीमार हैं, माल नाज़रीन, नाज़रीन आप देख रहे हैं बेबसी का आलम, के आटे की जो है ना बोरियों के लिए भी इन्हें पूरा पूरा दिन जो है इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी इन्हें आटे की बोरियां, मतलब इतना आटा भी नहीं मिल सकता कि ये अपना राशन पूरा कर सके, अपने बच्चों के लिए राशन पूरा कर सके। यहाँ पर ये हालात हैं कि इनके घरों में अभी तक पानी है, 6-6 फुट वो बता रही हैं अभी कि इतना इतना पानी है कि वहाँ पर जाया भी नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, जिन स्कूल्स में लगाए गए थे, जिन सरकारी इमारात में लगाए गए थे, उनके जो सरकारी अहदेदारान हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से इन्हें छोड़ दें, जल्द अज जल्द जितने जल्द हो सके वो इन रिलीफ कैंप्स को छोड़ दें। और कई ऐसे अभी हमारी पीछे बात हुई जिनको इन रिलीफ कैंप्स में से निकाल भी दिया गया है, वो वापस आ गए हैं अपने घरों में, लेकिन अभी उनके घरों की ये हालत है कि उनके घरों का कुछ भी नहीं बचा।